हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो स्क्रीन में देख पा रहे हो, आज आपको मैं सिखाऊंगा लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से कुछ ही टाइप का फोटो एडिटिंग करना। लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से पेज को कैसे गोरा किया जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूँगा, इस वीडियो को बिना स्किप के फुल वॉच कर लेना होगा और वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना होगा। तो यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पास में घंटे उसको भी कर देना ऑल में, ताकि यार आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो यहाँ पर हमारा जो रियल फोटो रहेगा ना, कुछ तो इस टाइप का रहेगा और इस फोटो को हम इस प्रकार से बना देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस फोटो को एडिट करना होगा उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेंड वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा और फोटो को सेंड कर देना होगा आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। मेरे को पता है आपके फ़ोन में लाइटरूम एप्लीकेशन होगा, तो आप लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपने फ़ोटो को सेंड कर देना होगा। सो गाइस, तो यहाँ पर हमारा जो फोटो ना आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके इधर आ जाना होगा और जाना है आपको कलर वाला आइकन में। ठीक है, कलर वाला आइकन में जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आपके यहाँ पर मिक्स में क्लिक कर देना होगा और मिक्स में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कलर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी गाइस आपको जो फर्स्ट में दो कलर देखने मिलेगा ऑरेंज एंड रेड, ठीक है, ये दोनों कलर ही आपको सेलेक्ट कर लेना होगा क्योंकि पेज में ये कलर काम आता है। ठीक है, तो मैं फाइनली क्या करता हूँ, यहाँ से ऑरेंज कलर में मैं क्लिक कर लेता हूँ। ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। ऑरेंज कलर में क्लिक करने के बाद आपको जो नीचे वाली लाइन है गाइस नेमलेस, तो आपको इसको प्लस कर देना होगा, इसको प्लस रख लेना, यहाँ से पूरा शो कर देना होगा। ठीक है, पूरा शो हो जाने के बाद आपको बीच वाली लाइन में सर्चुल इसको माइनस कर देना होगा यहाँ से। तो इसको मैंने माइनस कर दिया यहाँ से, ये देख पा रहे हो, इसको जैसे माइनस किया तो यहाँ पर पेस में काफ़ी मस्त तरीके से स्मूथ हो। तो यहाँ पर हम इसको जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पेस कुछ ही टाइप से हो जाएगा। तो मैं माइनस इसको 93 कर लेता हूँ और इतना हो जाने के बाद जो ऊपर वाला कलर है ना, इसको यहाँ से माइनस प्लस करके देख लेना होगा आपको। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से प्लस 12 कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रेड कलर में क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद जो ऊपर वाली लाइन गैस, इसको यहाँ से माइनस प्लस करोगे तो यहाँ पर अपने फोटो में यहाँ पर कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, ये देख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रख लेता हूँ, इधर पहले माइनस शो कर लेता हूँ और ज़्यादा डायरेक्ट करने के लिए अपने फोटो में कलर इसको प्लस करोगे बीच वाली को तो ये ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगा, देखती हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, दो कर लेता हूँ। और फाइनल में क्या करता हूँ, यहाँ से मैं डन में क्लिक कर लेता हूँ। डन में क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक हो जाने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। इफेक्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से बहुत सारी लाइन आ जाएगी, तो ऊपर वाली लाइन है ना, इसको यहाँ से माइनस करोगे ना तो यहाँ पर स्मूथ होना स्टार्ट होगा, देखती हो। तो इसको ज़्यादा नहीं करना है, इसको यहाँ से रख लेना होगा आपको 16। और दो नंबर में देख लेगा आपको क्लेरिटी लाइन को आपको इधर कर देना होगा प्लस, इसको प्लस रख लेना होगा यहाँ से 71। और इतना हो जाने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ से हो जाते हैं बैक। बैक हो जाने के बाद आपको डिटेल्स में जाना होगा। डिटेल्स में जाने के बाद फर्स्ट में शार्पिंग में क्लिक करके उसको रख लेना यहाँ से 36 और नीचे आ जाना होगा थोड़ा सा। और आपको मार्किंग में क्लिक करके उसको रख लेना यहाँ से 33 और स्केंची निवाइस तो इसको रख लेना यहाँ से 36। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम डायरेक्ट ऐसे बैक हो जाते हैं। और आप तो यहाँ पर फोटो को जूम करके देखते हो फोटो में कितना सा लुक आ चुका है और हमारा जो पेस है वो कितना मस्त तरीके से स्मूथ एंड गोरा हो चुका है। यहाँ पर देखते हो बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही कमाल का हमारा जो फोटो हो चुका है। तो फोटो को फुल HD में डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर शेयर वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा और यहाँ से शेयर टू डिवाइस में क्लिक करके फोटो को कर लेना गैलरी में सेव। आशा करता हूँ कि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे कमाल की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।